सैयद यूनुसरजा गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सर किधर रह गए आज आप? अगर आ जाते तो स्टेट बैंक ना ना गिरवी रखा जाता आज। देखें, ये तो अजम्पशन की बेसिस पे है। पूरे सेशन के दौरान मेजॉरिटी रखना डिफिकल्ट काम होता है, तो आज सुबह 1 बजे मेरे घर इन्होंने ये ऑर्डर ऑफ द डे जो एजेंडा है वो दिया। आप बताएं, 1 बजे दिन को, मतलब ये 12 बजे के बाद दिन चेंज हो रहा है और 10 बजे सेशन है। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था कि मैं वहां पहुंच सकता, तो इसलिए मतलब है कि इन्होंने रूल्स को वायलेट किया है। ऑर्डर डे को उस दिन नहीं दिया हमें और दूसरे दिन दे रहे हैं और उसी दिन सेशन है। और इनको लास्ट टाइम भी आपको याद होगा कि उन्होंने रूल सस्पेंड करने के लिए कहा हाउस को और मैंने रूल सस्पेंड नहीं होने दिए। अगर एक दफा रूल सस्पेंड कर देंगे तो फिर कोई भी चीज ना सकते हैं, तो इसलिए इन्होंने जो एथिकली इट वॉज रॉन्ग और मेजोरिटी को मेंटेन करना फॉर द होल सेशन इज डिफिकल्ट। और उसके बावजूद भी देवर डिफीट होने के बाद फिर उन्होंने देखा कि मेंबर पूरे नहीं है, फिर आधा घंटे के लिए हाउस को उन्होंने सस्पेंड किया और उसके बाद आधे घंटे के बाद फिर आए, और जब फिर आए तो फिर भी उनके बंदे पूरे नहीं थे। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट ग्रुप्स को प्रेशराइज करके उनसे वोट मांगे और हमारे भी कंबाइंड ऑपोजिशन के लोगों में कमी थी, पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 लोग नहीं थे और बाकी भी हमारे लोग नहीं थे। और उसके बाद इन्होंने फिर एक पेशेंट थी कोविड की, उनको ऑक्सीजन के साथ अंदर लेकर आए, फिर भी पूरे नहीं हुए। फिर इन्होंने स्पीकर चेयरमैन सेनेट खुद नीचे उतर कर वोट किया, जब उसने वोट किया तो फिर वो एक वोट से जीते। तो मकसद ये नहीं है कि जिस दिन आप देखेंगे मेजोरिटी ने उस दिन जो चीज मर्जी है पास कर दें, दिस इज अगेंस्ट रूल्स, अगेंस्ट प्रोसीजर। ये गलत टैक्टिक्स हैं और इससे ये नहीं कि आप ओनस दे दें ऑपोजिशन को तो बंदे पूरे नहीं कर सके। हमारी मेजोरिटी है और पहले भी है, मगर ये नहीं होता कि जिस दिन बंदा एक कम है तो या दो कम है तो उससे कोई चीज अब्रप्टली पेश कर दे, वो गलत है।